चालू। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके अराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कल तो काफ़ी देरी भी हुई थी, हमारे को इंतज़ार भी हो रहा था आप लोगों को, और आज गुरुजी आपके समक्ष समय पर आ भी गए हैं। प्यारे विद्यार्थी बहुत ज़ोर शोर से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अच्छा तो खुशबू राव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग कृष्ण, गुड इवनिंग रेखा रूंडला, सुमन चौधरी, गुड इवनिंग नरेश जाट, गुड इवनिंग पवन कुमार बलावत, गुड इवनिंग रजनी मीणा, गुड इवनिंग प्रियंका यादव, नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते कोमल यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भावी कृषि सुपरवाइजर, 2023 का भावी सुपरवाइजर है भाई, उम्मीद है आज क्लास टाइम से स्टार्ट हो। उम्मीद क्या, उम्मीद की क्या ही बात करो, हम तो आपके सामने। अच्छा ज्योति शर्मा, हेलो हेलो ज्योति, कैसे हो, शाबाश। अच्छा रोयल जाट, गुड इवनिंग गुरुदेव, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा रौनक, अरे रौनक आपने तो घर की खेती है, कहना ही हेलो हाय हेलो जय हैं। अच्छा चलो तो हेलो एग्री भाई, मनोज सर, नोखवाल जी, यस स्टार क्लास, गुड गुड, धन्यवाद। कोमल को कुमावत, सॉरी कोमल गहलोत, हेलो सर जी। अच्छा देवंदा, क्या देवेंद्र मीणा, गुड इवनिंग। गीता नील, जय श्री श्याम, सुनील अराइज, हेलो गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को भैया गुड इवनिंग नमस्कार। अच्छा इंडियन एस जेड, कुशाल सैनी, राम राम सा आप सभी को भैया, राम राम सा हमारी ओर से, गणी गणी खम्मा, गुड्डू चौधरी गुड इवनिंग। तो आप सभी को हमारी ओर से पुनः सभी को गुड इवनिंग, राम राम सा। देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से जिस प्रकार से हम लाइव सेशन से कल भी आपके साथ मुखातिब हो रहे थे, आपकी अदालत से जुड़ रहे थे, आज पुणे आपके बीच सही पिक्स 8 बजे हमारी कालांश को लेकर सुचारू रूप से हम आपके बीच हैं। देखिए कल मैंने लाइव सेशन में आपके बीच में बात रखी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस जो जीके का 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे भूगोल में, इतिहास में और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। देखिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम बात कर रहे थे, हमारे राजस्थान के सौंदर्य की बात कर रहे थे, हमारे राजस्थान के लोक गीतों की बात कर रहे थे, और हमारे राजस्थान के लोकगीत इस राजस्थान की धरती के, इस मरुधरा के भैया स्वर्णिम आभूषणों में हम बात कर सकते हैं। हमारा अनमोल धरोहर है, हमारा अमूल्य धरोहर है राजस्थान की संस्कृति, और राजस्थान की संस्कृति से जुड़कर हम कल बात कर रहे थे राजस्थान के लोकगीत। लाग गीतों की बात मैंने आपके बीच में रखी, डेफिनेशन मैंने आपके बीच में रखी, परिभाषा मैंने कल आप लोगों को समझाई कि लोकगीत क्या होते हैं, लोकगीत क्या होते हैं जिसमें सुर पद लय ललित्यपूर्ण भाव हो, लोकगीत कहते हैं। कल की कालांश में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि लोकगीतों की श्रेणी के बारे में हम बात करें, लोकगीत होते हैं भैया 6 प्रकार के। कितनी श्रेणी के तहत हमने बात की थी, जो भी विद्यार्थी कल हमारे लाइव सेशन से नहीं जुड़ा था, क्या हुआ, अच्छा। देखो लोकगीतों की श्रेणी की हम बात करें, लोकगीत 6 श्रेणी के मैंने आपको बताए, और निम्नानुसार मैंने भैया जैसे लोकगीतों के स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया, जो भी कल विद्यार्थी हमारी कालांश से लाइव सेशन से वंचित था वो पिछले बैक लाइव सेशन से जुड़े, वहाँ से भैया हमारे लोकगीतों के बारे में ढेरों बात हुई थी, वहाँ से अध्ययन करें। देखिए कल हमने जैसे बात की थी, पहला गीत आपके बीच में लेकर आए, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, ये हमारे राजस्थान का राज्य गीत है, ये हमारे राजस्थान का रजवाड़ी गीत। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया,
जितना कुछ किताबों में नहीं है उससे चार गुणा मैंने आप लोगों के साथ जो केसरिया बालम पधारो हमारे देश के जितने तमाम क्वेश्चन थे, जैसे सर्वप्रथम किसने गाया, सर्वाधिक बार किसने गाया, कौन सी शैली में गाया, ये कौन सी श्रेणी का गीत है, और तमाम बातें मैंने आपके बीच में रखी, जैसे अल्लाह जिला भाई के बारे में भी रखी। अल्लाह जिला भाई को मरु प्रदेश की कोकिला 1982 की पद्मश्री है, 2012 की राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित है। इनके गुरु का नाम भी बताया मैंने आप लोगों को, मतलब पिछले भैया एक बार बैक सेशन से आप जुड़े, कल के लाइव सेशन से जुड़े, गीतों के संदर्भ में हमारी कालांश थी। आज हम गीतों की अगली कड़ी में आपके साथ पेश कर रहे हैं हमारे राजस्थान के लोकगीतों के साथ। आज हम दूसरा गीत लेकर आए हैं आपके लिए, कुरंजा गीत। कौन सा गीत है लाडलो? कुरंजा गीत। जो कुरंजा गीत है, कुरंजा गीत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है, हमारे राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ क्षेत्र में भी हम विशेष बात करें बेटा तो जोधपुर का विशेष प्रसिद्ध गीत है कुरंजा गीत। जैसे कल मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के तहत, श्रेणी के तहत मैंने अलग अलग स्तर पर भैया लोकगीतों को छह श्रेणियों में आपको बताया कि पहली श्रेणी विरह श्रेणी थी। विरह का मतलब होता है याद, विरह का मतलब क्या होता है? याद। तो कुरंजा गीत के मामले में पहले तो हम सर्वप्रथम तो हमारे को ये जानना जरूरी है कि कुरंजा गीत का जो क्षेत्र है, कुरंजा गीत का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है बेटा जी मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ में भी हम बात करें मुख्य रूप से कहाँ के लिए? जोधपुर के लिए। मुख्य रूप से कहाँ के लिए बात करें? जोधपुर के लिए। जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कुरंजा गीत निम्नानुसार आपको चार क्षेत्र देकर पूछ ले कि कुरंजा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो देखिए आप लोगों के साथ मारवाड़, और मारवाड़ में भी विशेष कहाँ का बता दिया है मैंने? जोधपुर का। हम बात करें कुरंजा गीत को लेकर, कुरंजा गीत एक देखो विरह श्रेणी का गीत है। कुरंजा गीत किस श्रेणी का गीत है? विरह श्रेणी का गीत है। विरह श्रेणी का मतलब होता है बेटा, कल मैंने बताया था आप लोगों को लाडलो, विरह श्रेणी, और विरह श्रेणी का मतलब भी बताया था मैंने, याद, याद में गाया जाने वाला गीत, याद में गाया जाने वाला गीत। जैसे याद में गाए जाने वाले जो गीत हैं बेटा वो क्या ही कहलाएंगे? विरह श्रेणी वाले गीत कहलाएंगे। जैसे हम बात कर सकते हैं कि पति प्रदेश हो, पति कहाँ पर हो? प्रदेश हो, पति प्रदेश हो, तब पीछे से उसकी जो विरेणी है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो पत्नी है, वो भैया अपने पति की याद में, अपने प्रेमी की याद में, अपने विरह की याद में भैया गीत गाएगी, वो गीत क्या ही कहलाएंगे? विरह श्रेणी वाले गीत कहलाएंगे। हम बात कर सकते हैं कुरंजा गीत का, देखो हमने क्षेत्र देखा, कुरंजा गीत की हमने श्रेणी देखी, अभी जो हम बात करने वाले हैं कि कुरंजा गीत, देखो आपको सबसे इस बात को तो मालूम होगा कि कुरंजा एक पक्षी है। कुरंजा क्या है बेटा? पक्षी है। और कुरंजा पक्षी की हम बात करते हैं तो हमारे जोधपुर का शुभंकर भी है कुरंजा पक्षी। हम बात करें शुभंकर को लेकर, शुभ प्रतीक चिन्ह की बात करें, जोधपुर का शुभंकर क्या है लाडलो? जैसे मैंने ऑफलाइन बैचों में बहुत स्पष्ट रूप से भैया आप लोगों को शुभंकर करवाए थे राजस्थान के 33 जिलों के साथ में, तो जोधपुर का शुभंकर एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आए और बताए कि जोधपुर का शुभंकर क्या है, तो मैंने यहां पर वैसे बता भी दिया है कि जोधपुर का शुभंकर क्या है? कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी यहाँ का पक्षी नहीं है भैया, यह है साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन पक्षी है। साइबेरियन पक्षी हम बात करें रूस का पक्षी है। साइबेरियन कहाँ का पक्षी है? ये रूस का पक्षी है, जबकि हमारे राजस्थान में कुरंजा पक्षी का निवास स्थल माना जाता है खीचन गाँव में। खीचन गाँव में भैया जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताए कि खीचन गाँव की लोकेशन कहाँ की है, खीचन गांव की लोकेशन कहाँ की है? खीचन गांव की लोकेशन है लाडलो कहाँ की? जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की। और साथ साथ में हम और भी बात करें खीचन गांव के अलावा भी, तो ये भैया ताल छापर में रहता है। ये कहाँ रहता है? ताल छापर में रहता है। और ताल छापर की लोकेशन तो शायद आपके दिलो दिमाग में छपी हुई होगी, आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि ताल छापर जो चूरू है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर सकते हैं काले हिरणों के लिए, कृष्ण मर्ग के लिए ताल छापर विशेष रूप से भैया प्रसिद्ध है। देखिए कुरंजा गीत को लेकर जो हम बात करें कि कुरंजा गीत का जो क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ में विशेष हम बात करें जोधपुर को लेकर, किस श्रेणी का गीत है? विरह श्रेणी का। विरह का मतलब होता है याद। हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि पति कहाँ पर है इस गीत में? प्रदेश। पति प्रदेश, और पति की याद में, पति प्रदेश है
तो भैया पति की याद में, पति की याद में वीरेणी क्या ही कर रही है, गीत गा रही है। वीरेणी क्या ही कर रही है, वीरेणी गीत गा रही है। और वीरेणी गीत गा रही है, उन्हीं गीतों को हम क्या ही कहेंगे बेटा, कुरंजा गीत। और कुरंजा देखो हमारे राजस्थान के जोधपुर का शुभंकर साइबेरियन रूस का पक्षी है। हम बात करें हमारे राजस्थान में इसका मुख्य निवास किचन गांव जोधपुर है, साथ में ताल छापर चूरू है। अच्छा देखिए हम और भी बात करें बेटा जी, जैसे कुरंजा किस प्रकार से लय के साथ गाया जाता है। कुरंजा तू छे मारी भायली, तू छे मारी धर्म की भेड़, उड़ती उड़ती ले जा मारा बल मरो संदेश। कुरंजा तू छे मारी भायली, तू छे मारी धर्म की भेड़, उड़ती उड़ती ले जा महारा बल मरो संदेश। इस प्रकार से इस गीत का लय होता है, इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। विरहिणी अपने भैया विरह पति प्रेमी की याद में गा रही है, गाने दो भैया। चलो तो एक बार इस गीत को भैया आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे हो तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अनुरोध है मेरा कि आप एक बार जल्दी से जल्दी इस दो चार पांच लाइनें आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी बहुत विद्यार्थी हमारे लाइव सेशन से जुड़े, आप सभी का भैया धन्यवाद। नरेश जाट जोधपुर धन्यवाद भैया, प्रियंका यादव चूरू से, अच्छा राजस्थान में भैया मेरे को लग रहा है कि दूर दूर से भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। अच्छा प्रियंका यादव चूरू से धन्यवाद, अच्छा आप चूरू बता रहे हो कुछ हमारे को, अच्छा चूरू ताल छापर चूरू बता रहे हो, अच्छा धन्यवाद। पूनम जाट राधे राधे, राधे राधे बेटा। आची शर्मा गुड इवनिंग सर जी, अच्छा तनु सैनी, तनु गुड इवनिंग है भाई मोटी, गुड इवनिंग। ज्योति शर्मा कुरंजा विकास प्रजापत, सॉरी सर नेट ही पूरी हो गो, के करे हो रे छोरा तू नेट को आज हैं, के लाग रहे हो रील देख रहे हो ना तू, पढ़ लो। अच्छा फिर है भैया अंकित बागड़ी, मिस यू गुरुजी, अरे थारा बलव जाए केक का मिस यू करो रे पड्डो टावरो। अच्छा केशव कुमावत, हाय हाय केशव कैसे हो भैया। हर्षित यादव गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा सचिन कोटपुतली, नितेश प्रजापत, जय अराइज, विजय अराइज, अतुल्य अराइज। अच्छा केशव कुमावत, हाँ भाई केशव। सुनीता जाट नमस्ते सर, नमस्ते बेटा नमस्ते, और कैसे हो भैया। हमारे लाइव सेशन से 40 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, शाबाश विद्यार्थी और भी बढ़ रहे हैं, शाबाश 41, शाबाश 42 विद्यार्थी हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हैं। नितेश प्रजापत, अच्छा प्रियंका सर मैं प्रिया यादव सामोदय, प्रिया तू कठे ही अति देर की, ठीक है। अब देखिए रामेश्वर चौधरी, हाय हाय भाई रामेश्वर। देखिए कुरंजा गीत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, शायद आपने उतारा, शायद आपने समझा। अभी हम नेक्स्ट गीत लेकर आ रहे हैं आपके बीच, सुवटिया गीत। कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं, सुवटिया गीत। एग्जाम की दृष्टि से मुख्य रूप से हम भैया इंपोर्टेंट गीतों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कल हमने बात किया था केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये भी एक वीर श्रेणी का गीत है। तो कुरंजा गीत भी कौन सी श्रेणी का गीत है, वीर श्रेणी का गीत है। अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगला वाला गीत, पेश कर रहे हैं कौन सा पढ़े रे बालको बताओ दिका, सुवटिया। ये ऑफलाइन बेचाड़ा तो थे तावड़ा तावड़ा बता दियो करो रे, थान तो लिखाएड़ा है, थान तो पढ़ाएड़ा है, गागा के थाने नाच नाच के मेरे बताएड़ा है। सुवटिया गीत, सुवटिया गीत, नाच के दिखावा टापर बोल रहे के, अरे थारा बल्ला हो जाए डटो रे डटो टावरो, नाचया नाचया नाच पढ़ाशिया ना थाने जना नाच के दिखाशिया, अब गीत पढ़ा रहे तो गीत गागा के थाने बता रहे, ठीक है। सुवटिया गीत देखो, सुवटिया गीत का हम बात करें क्षेत्र को लेकर, देखिए इंपॉर्टेंट रूप से भैया जैसे भी मैं लाइन जो लाइन आपके बीच फेस कर रहा हूँ ये एक से बढ़कर एक बात है। जैसे सुवटिया गीत का क्षेत्र पूछे आप लोगों को तो क्षेत्र रहेगा लाडलो क्या, मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहेगा, मेवाड़। सर सुवटिया गीत है, सुवटिया बोई तो कौन ही है जो डीजे पर चालिया करे, उड़े उड़े सुओ मारा कब्जा माड़े बैठे, मारा कब्जा को करे दियो नास, सुओ बेरी जुलम करे हो, अरे ना टावरो सुओ बेरी जुलम को नहीं करे हो। सुनो सुवटिया गीत, सुवटिया गीत का क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़। सर वो गीत कोई जनजाति को है मानिया लाग रहे, थन लाग गए कहीं टावरो, थन लाग गए बाबा लोक की होया करे, कौन सी जनजाति को गीत है यो,
बीला को गीत है। कौन को गीत है? बीला को गीत है। बीलों का भैया मुख्य रूप से गीत है, ठीक है। जनजाति आप लिख दिया, हाँ बील। अब बात करें भैया, देखो इस गीत में ना पति कहाँ चला जाता है? प्रदेश। इस गीत में पति कहाँ चला जाता है? प्रदेश चला जाता है, ठीक है। और भैया पति प्रदेश मतलब जो बील पुरुष है, बील पुरुष, बील पुरुष कहाँ है इस गीत में? प्रदेश है। और पीछे से भैया उसकी जो प्रेमिका, उसकी जो पत्नी है, हम कह सकते हैं बीलनी स्त्री, बीलनी स्त्री, जो बील की गराड़ी। देखो यो बील या बीलनी, ठीक है। बीननी कोनी, हाँ बीननी भी कह सको आपने तो कल्चर में, ठीक है। अच्छा देखो बील, बील के गराड़ी कौन है? बीलनी, बीलनी स्त्री आपका बील, ठीक है, की याद में, आपका बील की याद में, ठीक है। बील कठे गयोड़ा है प्रदेश, और प्रदेश में गीत गा रही है सुवटिया, गीत गा रही है सुवटिया। गीत के हम बारे में बात कर रहे हैं कि सुवटिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट रूप से भैया एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को एक बात तो विशेष ध्यान रखनी ही रखनी है कि सुवटिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। सर जनजाति बताओ, बता दिया ना टावरों, बील। कौन सी है? बील, ठीक है। सर कब गाया जाता है? जब बील पुरुष प्रदेश चला जाता है। बील पुरुष कहाँ चला जाता है? प्रदेश चला जाता है। और उसके पीछे से भैया उसकी जो प्रेमिका, उसकी जो पत्नी होती है, उसकी वरेणी होती है, जो बीलनी स्त्री होती है, उसकी याद में कौन से गीत गाती है? सुवटिया गीत। कौन से गीत गाती है? सुवटिया गीत। नेक्स्ट गीत लेकर आ रहे हैं आपके लिए कागा। कौन सा गीत? कागा, कागा मतलब कौवा। कौन सा गीत रहे? कौवा। शायद लिख रहे हैं विद्यार्थी, समय ना लगाते हुए भैया इसको लिखो फटाक से, अपने नोटबुक में राइट करो। अब लगातार हम आप लोगों से लाइव सेशन से जुड़ गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम बीच में भैया कि आप लोगों का लाइव सेशन ऑफ होगा। अब लगातार तब तक 21 अक्टूबर की रात होगी तब तक हम आपके बीच होंगे। उतार लीजिएगा एक बार सुवटिया गीत। क्षेत्र वेतर जाति कब गाया जाता है? पति प्रदेश, भील पुरुष, भीलनी स्त्री, सारी बात लिखनी है ताने। अच्छा भैया विद्यार्थी बहुत जुड़ चुके हैं, शाबाश। 45 विद्यार्थी, अंकिता मौर्य बीलों का, शाबाश अंकिता, मौजी कर दी भाई तू तो होशियार होगा बेटा। पर खुशबू राव बीलों का, वाह खुशबू, शाबाश। अच्छा प्रियंका तोता संदेश, हाँ तोता, तोता यानी सुआ, वाह ये प्रियंका, वाह। पूजा चौधरी सुपरवाइजर के कितने बैच चल रहे हैं कोचिंग में? ए पूजा के बतावा, 5-7 एक बैच फ्री कर दिया बाहर, 2-3 एक चल रहे है। तू कड़े है पूजा, सुपरवाइजर का बैच चल रहा है सुबह 8 बजे। रजनी 3 चल रहे हैं, रजनी तू बता ही इनको कितने बैच चल रहे हैं? 6 कंप्लीट हो गए, हाँ शाबाश रजनी। पूनम चौहान सर लिख लिए फिर तो मौज ही कर दी। ज्योति शर्मा मेवाड़, वाह। मुलायम सिंह जी, अरे अब मुलायम सिंह जी कौन सवाली हो आपनाड़ा सर है के ना है गुरु जी थे कड़े हो थारा चक्रम मान लाइव ले लो पढ़ रहे। अच्छा ज्योति शर्मा, हर्षित यादव, रजनी, ठीक है भैया। अच्छा आपने लिख लिया होगा, अगला वाला गीत लेकर आ रहे हैं आपके लिए कागा गीत। कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं? कागा गीत, कागा गीत, कागा, कागा क्यों है करे टावरो? कागा सुने डो, कागा, कागा मतलब कोवा, कागा मतलब क्या है रे? कोवा, कोवा पक्षी को माध्यम मानकर, कोवा पक्षी को माध्यम, कोवा पक्षी को माध्यम मानकर गाए जाने वाले गीत। वाह गुरु जी, कोवा पक्षी ने भी कोई माध्यम माने के, हाँ माने ना टावरो। अच्छा कागा गीत, कागा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। वैसे तो लगभग ये संपूर्ण राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है, लेकिन विशेष आप लोगों को कोई क्षेत्र से भी पूछ ले तो मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है कागा गीत। कागा मतलब होया करे कौवा, ठीक है गुरु जी। अच्छा देखो इसमें कौवा पक्षी को माध्यम माना जाता है, लेकिन कब माना जाता है? जब भैया पति कहाँ रहता है? प्रदेश। पति प्रदेश, इस गीत में भी भैया मनिया लगे सारा का पति कढ़े ही है प्रदेश, और पीछा ने अपना तड़ी छोड़गा गीत है बे तो कमान लाग रहे, और आपा पड्डो बाका गीत है। तो देखो पति प्रदेश है, और पति प्रदेश है तो भैया उसकी जो वीरेणी है, उसकी जो घरवाली है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो पत्नी है, ओ गुरु जी वीरेणी, और वीरेणी को क्या ही आ रही है बेटा?
याद, विरणी को क्या आ रही है रे, याद, ठीक है। पति प्रदेश है इस गीत में भैया, विरणी को क्या आ रही है, याद आ रही है। और कौवा पक्षी को माध्यम मानकर, कौवा पक्षी को माध्यम मानकर कौन सा गीत गाया जा रहा है, कागा गीत, कौन सा गीत गाया जा रहा है, कागा गीत। कागा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, ठीक है। और जैसे हम बात कर सकते हैं, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, जिद मारा पीवे जी घरे आवे, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, जिद मारा पीवे जी घरे आवे। मतलब सुना होगा आपने इस प्रकार से, इस प्रकार से आपने गीत तो सुना ही होगा, कागा गीत। कागा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा, मारवाड़ का। जैसे मैंने ले बताई आप लोगों को कि उड़े उड़े रे काला रे कागला, जद मारा पीवे जी घर आवे, अरे कागला तू के बेटे है कोवा, तू उड़ रहे, ठीक है। अगर तू उड़सी तो तू माने संदेश देसी कि मैं खे रहा हाँ, तुम्हारो खेबो सुनो है, इको मतलब है कि भाई मारो पति घर ने आसी, ठीक है। अच्छा देखो, लिखो एक बार इसको सारे विद्यार्थी, गीत तो सुना रहे हाँ ना, गीत सुना से बार देखो थान जी सुना रहे ना भी थाने कागा गीत सुनाया हाँ, और बार समय निकाल के थाने और सुना से। अच्छा अंकित बागड़ी तेरे को क्लास की याद आ गई, यो यो सर, यो यो हनी सिंह, अरे वाह भाई सचिन कोटभूतली, अच्छा डीजे अजय शर्मा, हाँ सर प्रियंका कोवा याद में गीत गाती है, वाह मैं फील्ड में लगा हूँ। अच्छा सर हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आओ। हाँ रौनक है, खैर ठीक है भाई, तू भी क्लास देख रही है, मन लाग रही है कि पढ़न लागी तू भी अब तो, हैं मैं क्लास ले रहा हाँ हैं, अरे आपा तो घर का आदमी आ पढ़न दे बार टावरा ने। अच्छा आगलो गीत है भाई देखो, मोरिया, आगलो गीत है मोरिया गीत हैं आगलो गीत है भाई मोरिया। देखो मोरिया तो ते सुनियोड़ा होगा एक जगह, तो बार लॉकडाउन में गए सीखने ने, पुलिस वाला के ही लगा रहा डंडा लगा रहा, अच्छा बने मोरिया आछो बोलो रे, मोरिया आछो बोलो रे, मोरिया उठे उनका बोतले उड़ रहे थे लोगों के हैं। अच्छा यहाँ जिस प्रकार से मोरिया गीत की बात कर रहे हैं, देखो मोरिया आपने सुना ही होगा, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा जैसे देखो मोरिया एक गीत है, मोरिया क्या ही है, गीत, ठीक है गुरुजी, मोरिया गीत है, गीत पढ़ा रहे हो तो गीत ही होगो, ठीक है। लेकिन भाया वो नृत्य भी है, मोरिया के भी है टाबरो, नृत्य भी है। ओ गुरुजी ते तो गीत पढ़ा रहे हो, हाँ तो के हो नृत्य भी है, ओ कौन सी जनजाति को है, ग्रासिया, कौन सी जनजाति को है, ग्रासिया जनजाति का भैया ये क्या है, नृत्य, ग्रासिया जनजाति का ये क्या है, नृत्य। ग्रासिया जनजाति जानो होनी, अपना राजस्थान के सिरोयाड़ा क्षेत्र में निवास कर रही है, कौन है, ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, मोरिया नृत्य, जबकि हमारा क्या है ये, गीत, कौन सा, मोरिया। अच्छा मोरिया गीत कब गाया जाता है सर, इसके बारे में तो आपको थोड़ा बताना ही है, तो बता सिया, ठीक है। मोरिया गीत कब गाया जाता है, सुनो, सगाई होने के पश्चात, सगाई होने के पश्चात, सगाई होने के पश्चात, शादी में देरी होने पर, शादी में देरी होने पर, शादी में देरी होने पर, सगाई होने के पश्चात, शादी में देरी होने पर कौन से गीत गाए जाते हैं टाबरो, मोरिया। और ऑफलाइन वाला थाने एक बात याद आ रही होगी कि मैं थाने इस टाइम का एक बात बतायो हो, ठीक है ना, बा बात आपना तो नहीं रखनी है, थाने कमेंट में बतानी को नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखो, सगाई होने के पश्चात, शादी में देरी होने पर कौन से गीत गाए जाते हैं, मोरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है भाई। दोबारा से देखो इस गीत के साथ, मोरिया, मोरिया एक गीत है, जबकि ग्रासिया जनजाति का नृत्य भी है। जो हम बात कर रहे हैं कि सर कब गाया जाता है, सगाई होने के पश्चात, शादी में देरी होने पर कौन से गीत गाए जाते हैं बेटा, मोरिया गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं, मोरिया गीत गाए जाते हैं। अच्छा मोरिया आछो बोलो रे डलती रात ने, मोरिया आछो बोलो रे डलती रात ने, मरही बड़े में लगी कटार, मरही बड़े में लगी। और वाह टापर मौज ले रहे गुरुजी, वाह ते तो चाड़ा ही कर रहे हो, हैं वर्षा ऋतु में
और छोरा कौन वर्षा और कौन ऋतु? अच्छा आची बता रही है कि वर्षा ऋतु में? आची सही बात है भाई, और बताओगे? आची बताइए भाई एक बात, आची की कॉपी में नोट करी है, मनिया लाग रही है कि मोरिया, जैसे भैया सावन की बात करो, सावन मास में, कौन से मास में? सावन मास में, सावन मास में वर्षा आया करे, बरसात, वर्षा स्कूल वाली वर्षा को निया या बरसात है, मे है बिरखा, ठीक है जो बाहर भी चल रही है ना। सावन मास में देखो के टाबरो, बरसात में देखो जो मोर पक्षी होता है, मोर पक्षी होता है ये भी भैया बरसात का क्या देता है? संदेश। बरसात का क्या देता है? संदेश देता है। और बरसात का संदेश देता है तो मोर भैया बहुत जोरदार अपने पंखों की फैलाव के साथ में गुमर लगाता है। क्या लगाता है? गुमर, मतलब बरसात के उन उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मोर भी भैया बहुत जोरदार ठुमके लगाता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर पक्षी भी बरसात का क्या देता है? संदेश देता है। सगाई होने के पश्चात जिया टावरो सगाई हो रही है व्यथार्थी हो रही है कोनी वो तो राम जाने, लेकिन मन लाग रहे हो कि जैसे सुपरवाइजर बनस्यो तो थारा सगाई भी होसी, थारा फेरा फाटा भी होसी, नहीं तो आपने पाया जयपुर हम गाड़ी लागे बिहार जान आड़ी ढाई बजा, के बजे लागे? ढाई बजा, ठीक है। अच्छा तो देखो जब मान लो दो सगाई दो साल हो गए भैया सगाई को, और सगाई के तत्पश्चात अगर हम शादी में देरी हो रही है, शादी में देरी हो रही है तो उन पक्षों को कहा जाता है, ससुराल पक्ष को कहा जाता है, हैं भाई हम तो सीधे नहीं कह सकते, बोले कि जी थान दो दो साल होगी, थान बेरो को नहीं केर या करो और वाह करो, लेकिन हमारे जो घर के जो बड़े लोग होते हैं ना उनसे तो अक्सर हम कहलवाई देते हैं, हैं। अच्छा ये देखो देखो फोन करो, फोन करने के बाद में ब्याण जी बात करो, बे जी बात करो, हैं, और देखा पूछो कि कणा सी ब्याह कर सी, दो साल हो ली, तीन साल हो ली, अब गए दे उठनी, अब गए दे उठनी, भाया आज दे उठनी का चक्कर मैंने था का गुरु जी भी ताने साची बता रहे आज लाइव में आके पांच दे उठनी काट्योड़ा है, कह दे उठनी पांच गुरु जी खूब मोरे उड़ेड़ा है, लेकिन मोरिया गीत हम नहीं गाएंगे इस गीत में भैया, इसमें तो कौन गाएगी? लड़की द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? लड़की द्वारा। अच्छा रौनक मैडम लाइव है के, दिखा आइए एक बार, मोरिया गीत गाई को नहीं सांची बताना होता ना टावरा के सामने, हैं कटे सी के। अच्छा चलो तो खैर अब देखो अगला वाला गीत लेकर आ रहे हैं भैया हम आपके बीच, पपैयो गीत। कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं? पपैयो गीत। अच्छा ये एक बार उतार लो, उतार लो, जो भी कोई विद्यार्थी प्यारा विद्यार्थी भैया स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतारना चाह रहा है उतार लीजिएगा। उतार लिया कटाबरो। अच्छा शिवानी सैनी, अरे शिवानी भाई तू के कह रही है? आफ्टर लॉन्ग टाइम आई वॉच योर क्लास सर। भाई यू के लिखी है तू इंग्लिश में? आ गलत बात है भाई, देख मैं कल्चरल आदमी और तू इंग्लिश में ए लेना लिखी, मारा समझ सुबार सौदो है यो, ठीक तरीका हूँ लिखे भाई शिवानी, एचओ की बात को नहीं इंग्लिश माना आवे को नहीं, ठीक है। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, अगला वाला गीत लेकर आ रहे हैं आपके बीच, पपैयो गीत। उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अगला वाला गीत लेकर आ रहे हैं, कौन सा गीत? पपैयो गीत, पपैयो गीत। ओ जोर को गीत है टाबरो, कॉपी में भाया थारकने पेन दो है, थारकने एक तो लाल और एक थारकने नीलो, और दूसरा है तो वो भी काम में लियो, नोट डाल लियो थे बात ने पपैयो गीत ने लिख के, ओ आपने सारा गीतों जितना भी गीत है ना अपना रास्ता ना सारा गीतों भया आदर्श जीवन को परिचयात्मक गीत है, आदर्श जीवन का परिचय देता है ये गीत, क्या ही बताए इसके बारे में मैंने, आदर्श आदर्श जीवन का परिचय देता है, आदर्श जीवन का क्या देता है? परिचय देता है, आदर्श जीवन का परिचय देने वाला
गीत है। गुरु जी ये समझ में को नहीं मानते के बताने लाग रहे हो, मतलब लेन के खेण लाग रही है आदर्श जीवन का, मतलब समझिया को नहीं। हाँ समझा से थान, देखो पपैयो गीत, पपैयो तो जानो उन्हें पक्षी, पपैयो क्या होया करे पक्षी। इसमें भी ये कह सकते हैं कि याद का गीत है, हम ये भी कह सकते हैं कि भैया प्रेम का गीत है एक है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि वीरेश रेणी का गीत है। देखो आदर्श जीवन का परिचय देने वाला गीत कैसे है, जैसे दाम्पत्य है, दाम्पत्य जीवन का मैं भाई शुभ संदेश देने वाला है। अपने दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा आदमी को इंटरफेयर तो कौन नहीं, कोई कहे बाबू बेबी तो कौन नहीं। देखो शादी होने के तत्पश्चात, शादी होने के तत्पश्चात देखो यहाँ जैसे मैं आपको रपली समझाता हूँ, ये भैया एक बगीचा है, ये क्या ही है बगीचा। ऑफलाइन टावरान समझ में आ रही होगी कि मैं ये चीज़ें थान बतायेड़ो भी हूँ हैं। देखा कमेंट में बताओ थान बगीचा की आदर्श जीवन की रे कोई बात बताया आगे हैं। अच्छा देखो बगीचा है भैया, और इस बगीचे के सामने हम बात करें ना, यहाँ पे भैया एक लड़की का घर है, यहाँ पे किसका ही घर है, एक है? लड़की का घर है, यारी लड़की या कौन है टावरो, लड़की का घर है। चलो बाहर तो तिसी की बनाया ठीक है, पास जोर की बना सा बड्डी या एक लड़की है ठीक है, यो बगीचो है, यो के है बगीचो। अब ये बगीचा मैंने शाम की शाम आपने नोखवाल जी लाग गए श्याणा, आपने नोखवाल जी सर है ना लागे बहुत श्याणा है, लेकिन होशियार है ये है, मीठी माया है टावरो है। अपन खेल के निकला है जी, मैं स्टैंड पे जा कर रहे हूँ कोई टाबर है मिलना खातिर, लेकिन नोखवाल जी तो कहाँ आनंद ले रहे हैं बगीचे में। देखो सीधे कहाँ गए नोखवाल जी, बगीचे में गए और बगीचे में टहल रहे थे, बगीचे में क्या ही कर रहे थे टहल रहे थे, एक आधे राउंड हुए और गलती से नोखवाल जी की नज़र किसकी ओर गई, इस लड़की की तरफ गई। और लड़की ने भी भैया तुरंत ही कोई ना कोई ऐसा संदेश दिया होगा, अपने तिरछी नैनों से वार किया होगा इसने, नोखवाल जी भैया पिघल गए। अच्छा लड़की ने भैया दूसरे दिन का समय दिया कि कल के 1 बजे आसू, बोले कि मैं तो रोज ही नहीं 5 बजे आऊँ, बोले कि बता तो फिर तो कल मैं भी आसू बगीचा, बोले कि आज तू भी आज। तो भैया ये लड़की भी नोखवाल जी से मिलने कहाँ पर आई, बगीचे में आई, और बगीचे में आकर नोखवाल जी से भैया प्यार प्रेम की बातें, समझ रहे हो मेरी बातें, प्यार प्रेम की बातें चालू हो गई इनमें। अच्छा लड़की ने भैया अपना जो संदेश था, अपना मैसेज था नोखवाल जी को रखा, बोले कि नोखवाल जी देखो बात ऐसी है, आप तो हमारे को बेहद बहुत ज़्यादा पसंद हो ठीक है, हम आप लोगों से बेहिंता प्रेम करते हैं, लेकिन नोखवाल जी क्या ही कहते हैं बावड़ी है के मारबार ने गैलसन मेरी के हुई शादी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं के हूँ कोनी के, अच्छा मैं के शादीशुदा आदमी हूँ, मैं एक गलत काम कोनी करूँ, काल माँ के घरवाले ने ध्यान पड़सी मारे घर में क्यों सी कड़े, तो देख भाई बात यहाँ है मैं तो ओ प्रेम न तो आज जानूँ और न कल। मतलब नोखवाल जी इस गीत में भैया अपने आदर्श जीवन का परिचय दे रहे हैं कि मैं गलत नहीं तो हूँ, नहीं गलत था और नहीं रहूँगा। आदर्श जीवन का क्या ही दे रहे हो नोखवाल जी, आप परिचय दे रहे हो, बहुत सुथरे हैं इस बात में भैया। तो इस गीत को विशेष ध्यान से सुनिएगा, पपैयो गीत आदर्श जीवन का परिचयात्मक गीत है। अगला वाला गीत लेकर आ रहे हैं आपके बीच मुम्मल गीत, कौन सा गीत है टाबरो, मुम्मल, मुम्मल गीत। अच्छा मुम्मल की बहन को के नाम है टाबरो थे, जब तक कमेंट में नहीं बता सो तब तक मैं तो लिखू को नहीं ठीक है। अच्छा मुम्मल गीत का बारे में थान बता सूँ, जब तक मुम्मल की बहन को नाम थे आगे बताओ कमेंट बॉक्स में, तो फिर आप दिखा बतावा, बताया को नहीं कि एक आधा टाबर अच्छा मुम्मल गीत। देखो मुम्मल गीत का जो क्षेत्र है लोकेशन है कहाँ गाया जाता है, जैसलमेर में। मुम्मल गीत कहाँ गाया जाता है, जैसलमेर में। वाह गुरु जी जैसलमेर में क्यों, हम नहीं गा सकते कि गा तो सकते हैं लेकिन आप मुम्मल है ना, आज जैसलमेर, जैसलमेर और जैसलमेर में लोदरवा क्षेत्र की, जैसलमेर में कौन से क्षेत्र की, लोदरवा क्षेत्र की क्या ही थी राजकुमारी, लोदरवा क्षेत्र की क्या ही थी राजकुमारी थी भैया, जैसलमेर में लोदरवा क्षेत्र की राजकुमारी थी मुम्मल। और इस मुम्मल को है अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान नाम तो सुने हो नहीं थे अमरकोट को, आपने लोक देवता पढ़ सो जना थे बाबू जी पढ़ सो और बाबू जी को सासरो कड़े हो
अमरकोट है, कड़े हो अमरकोट बाबा रामदेव जी पढ़सो रुणे जरा धनी बिको सासरो कड़े हो अमरकोट, कड़े हो अमरकोट है, ठीक है। तो अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान का एक भैया राजा हुआ करता था महेंद्र, कौन हुआ करता था महेंद्र, और महेंद्र है महेंद्र को भैया मुमल से क्या ही हो गया था, प्रेम हो गया था। मतलब इस गीत में हमारे को साफ शब्दों में इतना जानना है कि मुमल मुमल व महेंद्र, मुमल व महेंद्र की प्रेम कथा का वर्णन है, किसका है प्रेम कथा का वर्णन, प्रेम कथा का वर्णन है। टाबरो भी थे बताया कोनी, मुमल की बहन को नाम के हो सुमल हो, के हो सुमल, ठीक है। अब बहुत लंबी चौड़ी बात है, बार थान लाइव में बताऊं को नहीं, कभी थाने ऑफलाइन में मौका मिलसी जाना जरूर बतास है। नहीं नहीं अब तो प्रेम है यो, प्रेम की बार चर्चा चाल सी तो बावर भावनाम भेजा सी टाबर है। अच्छा मुमल वे महेंद्र की प्रेम कथा का वर्णन है, और साथ में नोट डालकर ये तो हमारे को लिखना ही है कि इसमें मुमल का देखो, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये गीत सर कौन सी श्रेणी का है, श्रृंगारिक श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, श्रृंगारिक श्रेणी का गीत, श्रृंगार से जुड़ा हुआ गीत है, प्रेम से जुड़ा हुआ गीत है। अच्छा नोट में हमारे को क्या लिखना है, नोट में देखो इसमें नक सिक वर्णन है, इस गीत में कौन सा वर्णन है, नक सिक वर्णन है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, मुमल गीत, मुमल गीत की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात करो तो जैसलमेर, क्षेत्र की बात करो तो कौन सा है जैसलमेर। देखो मुमल कहाँ की राजकुमारी थी, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी हुआ करती थी। मुमल को किससे प्रेम हो गया, गलती से महेंद्र से प्रेम हो गया भैया, प्यार हो गया। और हम बात करें महेंद्र कहाँ का निवासी था, अमरकोट पाकिस्तान। देखो थान जोर की बात बताऊंगा कि एक बार है नहीं मास्टर की भर्ती में पूछ लिया कि वो महेंद्र है वो मुमल से मिलना आतो नहीं, जना के सु मिलना आतो, एक न ऊंट हो महेंद्र कन के हो ऊंट, सुनो रे टाबरो महेंद्र कन के हो ऊंट, और ऊंट को नाम के हो मास्टर की भर्ती में पूछ छोड़ा है चित्तल, ठीक है। महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान से भैया मिलने के खातिर किससे, मुमल से मिलने के खातिर किससे आता था, चित्तल से। मतलब अमरकोट पाकिस्तान के जो शासक राजा महेंद्र उसके पास में क्या ही था, ऊंट था, ऊंट कौन सा था चित्तल, और चित्तल की मृत्यु के बाद में दूसरा ऊंट था उसके पास आंगी ऊंट, कौन सा ऊंट था आंगी। वाह गुरु जी मा तो आतनी सुड़ी को नहीं बात नहीं सुने वो जनाई तो थाने लाइव लेकर बैठे हम है। अच्छा देखो मुमल गीत, मुमल गीत क्षेत्र तो जैसलमेर, किस श्रेणी का, श्रृंगारिक श्रेणी का। मुमल कहाँ की थी, जैसलमेर की, जैसलमेर में कहाँ की, लोदरवा की, लोदरवा की क्या थी राजकुमारी, ठीक है। हम बात करें भैया अमरकोट पाकिस्तान के महेंद्र से इसको क्या ही हो गया था, प्रेम हो गया था, इश्क हो गया था, ठीक है। बाबू बेबी वाला ख्याल चालू हो गए थे, चौचले जिनको कहते हैं। अच्छा देखो मुमल व महेंद्र की प्रेम कथा का वर्णन है इस गीत में, मुमल व महेंद्र की प्रेम कथा का वर्णन, और साथ में ई बात को थान जरूर ध्यान रखूं है नक्षिक वर्णन भी किया गया है इस गीत में। हम और भी जैसे बात करें भैया देखो मुमल पुस्तक लिखी थी, मुमल पुस्तक, मुमल पुस्तक किसने लिखी थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। मुमल पुस्तक किसने लिखी थी रे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, किसने लिखी थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इस गीत के जो प्रमुख मशहूर कलाकार रहे भैया, नेशनल की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर भैया इसके जो मुख्य कलाकार रहे वो थे, कौन थे देखो बताओ कलाकार, दापुगा बाड़ली, कौन थे दापुगा बाड़ली। और दापुगा बाड़ली का हाल ही में भैया क्या भी हो गया, निधन, क्या भी हो गया, निधन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाने वाले दापुगा बाड़ली, जैसे हम इस गीत के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रेम कथा का वर्णन किसने किया था, इस प्रेम कथा का वर्णन किसने किया था, मीनाक्षी स्वामी ने। वाह मीनाक्षी तू ठाली भाई, जो प्रेम को वर्णन कर दी की को मुमल को और महेंद्र को, प्रेम कथा का वर्णन किसने किया था, मीनाक्षी स्वामी ने, किसने किया था, मीनाक्षी स्वामी ने, ठीक है। एक बार पुणे भैया, एक बार जो मुमल से क्वेश्चन बनने वाले हैं आप भी गौर फरमाएगा, विशेष गौर फरमाएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुमल गीत किस श्रेणी का है बताओ टाबरो,
बताओ, देखो बताओ, मैं तारा चेट देख सू। अरे वाह, सारा टावर तो अठे के अठे अभी। हाँ, श्रृंगारिक सर, सर हिंदी बोला करो। ओ इंडियन एजरेट, ओ भाई कड़ा को मन लाग रहे हो, भरतपुर वाला है वो भरतपुर वाला हो गए। अरे वाह, भरतपुर वाले भैया। हाँ शाबाश, ज्योति शर्मा जैसलमेर। हाँ जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है भाई ज्योति, प्रेम वाली कहानी सुन। हम बोल रहे हैं कि टब्बर नक्सिक, मतलब नक्सिक सर वे भैया, सिर के वे नाक के आभूषणों का वर्णन, सिर से लेकर नाक तक का, नाक तक का जो आभूषणों का वर्णन होता है, श्रृंगारिक गीत है, प्रेम की विधान बात बात बता। अच्छा क्षेत्र बताओ, जैसलमेर। अच्छा मतलब पुस्तक किसने लिखी, लक्ष्मी कुमारी सुंडावत। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने पहुंचाया, दापू का बाडली ने। किसने पहुंचाया, दापू का बाडली। और दापू का बाडली का क्या ही हो गया, स्वर्गवास हो गया भैया, निधन हो गया अभी। अच्छा हम बात करें मुमल कहाँ के निवासी, जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ की, लोदरवा की। लोदरवा की क्या ही थी, राजकुमारी। किससे प्रेम हुआ, महेंद्र से। महेंद्र कहाँ का था, अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान। अच्छा महेंद्र किससे मिलने आया करता था, मुमल से, लेकिन क्या लेकर, ऊंट लेकर। कौन सा, चीतल। चीतल को खत्म होने के तत्पश्चात कौन सा ऊंट था, आंगी। कौन सा ऊंट था, आंगी। ठीक है फिर देखो आगन के है, मुमल व महेंद्र की प्रेम कथा का वर्णन। हाँ अब इस बात की भैया साक्षी कौन है, मीनाक्षी स्वामी। प्रेम कथा का वर्णन क्या है, नक्सिक वर्णन है। मुमल की बहन का नाम क्या था, सुमल। अच्छा सुमल की था ना, एक लैंड तो मैं बता ही दूं, ज्यादा प्रेम की बात करा को नहीं टाबरो बार आप। देखो ओ महेंद्र है ने, एक बार आपने राजस्थान में क्या आए हो, मतलब जैसलमेर में कैसे आया ये। देखो अमरकोट पाकिस्तान में जब भैया अपने ये महलों के, अपने दुर्गों के, या अपने निजी निवास के सामने जब टहल रहे थे, विचरण कर रहे थे, तब इनको एक खरगोश नजर आया। किनको, महेंद्र को। महेंद्र को जैसे खरगोश नजर आया तो महेंद्र उस खरगोश के शिकार के चक्कर में उस खरगोश के पीछे पीछे दौड़ते 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 हमारे जैसलमेर, और जैसलमेर में एक नदी है कौन सी टावरों, कांकनी नदी। कांकनी नदी को नाम सुन रहे होगे, ज्योग्राफी में तन पढ़ाई है मेरी। कांकनी, कांकनी बोलो या इसको कांकने बोलो या मसूरदी बोलो, बात एक ही है। अच्छा कांकनी नदी तक भैया पहुंच गए खरगोश और महेंद्र। महेंद्र थक गया और वहां झाड़ियों में कौन विलुप्त हो गया, खरगोश। ठीक है अच्छा भैया ये हारे थके महेंद्र थे, और सामने जैसलमेर के लोदरवा क्षेत्र में जब जा रहे थे तब भैया हारे थके एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, और महलों के सामने बैठे हुए थे, तब वहां किसी की नजर पड़ी। वो जाकर भैया रानी को, राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी जी ऐसे आपके महलों के सामने कोई आदमी बैठा हुआ है, हारा थका थोड़ा सा परेशान सा नजर आ रहा है। तो राजकुमारी मुमल, मुमल भैया तुरंत आदेश फरमान जारी करवाती है कि हमारे क्षेत्र में कोई भूखार प्यासा और व्याकुल आदमी परेशान हो ही नहीं सकता, बुलाओ इसको अंदर। अंदर जैसे बुलाया गया, आगे तो मैंने अलग रहा कि कमेंट में टावर आगे स्वागत आप ही चल रहे। हाँ सर, हाँ बात तो सही है। अच्छा चलो तो फिर शाबाश। अच्छा देखो जैसे भैया इसको राजकुमारी ने बुलाया, बुलाया तो बोले कि महेंद्र आगे हो। महेंद्र जैसे आगे गया, महलों में गया और महेंद्र आगे गया तो बोले कि देखो मैं तो ऐसे ऐसे अमरकोट पाकिस्तान का ऐसे खरगोश के शिकार के लिए निकला था। बोले कि ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके कातिलाना है नजराना आपको लोगों का भैया गेटअप देखकर हम आपके ऊपर भैया फिदा हो गए, प्रेम हो गया। ये कोई बात होती है क्या यार, निकले खरगोश के शिकार और शिकार किसी और का ही हो रहा है, यहाँ शिकार किसी और का ही हो रहा है। अच्छा तो मुमल अपने प्रेम का भैया प्रपोज कर ही देती आखिर महेंद्र से, और महेंद्र भैया आपसे इस प्रेम की भावना में बह ही जाते हैं। ठीक है एक दिन ऐसा बताया जाता है कि जो ये महेंद्र था ना, ये मिलने आता था किससे, मुमल से, और मुमल की बहन का नाम था सुमल। तो एक बार मुमल और सुमल आपसी में खेल रही थी, तब भैया मुमल के जो सॉरी मुमल अब पुरुषों के कपड़े धारण करी हुई थी, सुमल किसके कपड़े धारण करी हुई थी, पुरुषों के कपड़े धारण करी हुई थी, और आपसी में जब खेल रही थी मुमल और सुमल, तो जैसे महेंद्र की नजर मुमल और सुमल पर पड़ी तो मुमल तो नजर आ गई, लेकिन सुमल जो नजर आई वो एक पुरुष की वेशभूषा में, और इस बात को लेकर कौन नाराज हो गए, महेंद्र, कि ये तो भैया गलत काम है, ये तो सनम बेवफा वाली बात हो रही है।
ठीक है। तो सुमल सुमल से भैया नाराज होकर महेंद्र वापस अपने महलों में अमरकोट पाकिस्तान चले जाते हैं और अपने प्रेम का इजहार करते हुए भैया मुमल कहाँ तक पहुँच जाती है, पीछे पीछे पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि मुमल भैया जब प्रेम इनसे मिलने की गुहार करती है और महेंद्र नहीं मिल पाते हैं तो वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। भैया प्रेम बहुत जोर की चीज़ है रे टावरों, ठीक है धन लाग रही भी होनी। अच्छा देखो एक बार सारा टावर मोटी मोटी बात है उतार लियो। मुमल मुमल श्रृंगारिक श्रेणी क्षेत्र जैसलमेर, मुमल कौन सी पुस्तक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी, कलाकार कौन है दापू का बाडली, लोधरवार राजकुमारी, लिखो दिखा लिखो स्क्रीनशॉट ले लो। आपने उतार लिया होगा, जो भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं भैया कि आप लोगों को बेहतर तो क्या ही बताए कि बेहतर से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम समझाने की जो हमारी ओर से भैया पूरी ऊर्जा लगा रखें पूरी ताकत लगा रखें आपको बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा होगा हैं। तो आज का हमारा लाइव सेशन यहीं तक पूरा होगा, आगामी हम बात करेंगे कल। आज के लिए अभी के लिए राम राम साहब, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगला एपिसोड में कल भैया 8 बजे। और जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं मिलते हैं सुबह मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। सभी को जय हिंद जय भारत, राम राम साहब, ओके थैंक यू। बहुत से विद्यार्थी